अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलो जी, आज चाय पीते हैं, साथ वीडियो का भी स्टार्ट कर लेते हैं। कल छुट्टी की थी ना, छुट्टी के बाद वो एनर्जी आती है ना, जैन जी तुम स्कूल जाते हो ना, सच्ची वही बात होगी बच्चों की ना, देख के तो सानू अपने आ जाता है वक्त याद। हमारे जब दौर था ना, उस वक्त जुमेरात को आधी छुट्टी होती थी और जुमे को पूरी छुट्टी होती थी। हम उस वक्त पढ़ते जब जुमे को छुट्टी होती थी। तुम हिसाब किताब ला लो आप ही कि कहड़े सन्ना में पढ़ रही। ये 94 या 95 के बाद की बात है, मतलब वो वाली लैंड ची गल है उस स्कूल दी ना। तो खैर, छुट्टी हो जाए ना तो सच्ची वाकई पता नहीं कितों एनर्जी इकट्ठी हो गई थी इंसान के अंदर आ जाती है। ऐसे कहते हैं कि इंसान ना थोड़ा आराम अपने कढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले किचन में आई, चाय शाय मैंने पी ली है। तो अभी मैं अपना बोतल में पानी फिल कर रही थी, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे मियाँ लेके आए थे। ये ना जो फ्रेम होता है ना चूल्हे के ऊपर, आप ऐसे शीशे की प्लेट्स बनी मिल जाती हैं, तो आप मतलब स्पेस के लिए होता है कि जारी बात, अगर आप चूल्हे के ऊपर कुछ चीज रखेंगे तो होता है कि बंदे को, हाँ, तो ऐसी रख के चीजें ऐसे लग रहा है जैसे स्पेस बड़ी हो गई किचन में ना। तो ये मैं कारपेट लेके आई थी, टेपश कह रहे, रैक कह ले, कुछ कह ले, ये लेके आई थी मैं उस दिन फ्लो मार्केट में, आपको दिखाने भूल गई थी। लेकिन मैंने अभी ना इसको डालना नहीं था, इसकी स्टोरी बड़ी गंदी सी है। कल ना फान ने फ्रिज खोली और उसके अंदर मैंने ना टमाटो सॉस बना के ना पिज्जे के लिए ना वो रखी थी। पता नहीं उसने कैसे क्या किया, क्या नहीं। मैं सोफे पे बैठी हूँ और पूरे का पूरा आगे से ना उसकी सॉस जो है ना टमाटर की, वो सारी कपड़े उसके लिबड़े छिबड़े हुए, और जैसे जैसे वो चल के आ रहा था ना, वैसे वैसे मुझे वो किचन की तो हालत का मुझे नहीं पता था अभी कि क्या हालत होनी है। लेकिन जैसे जैसे वो कारपेट टेपेश के ऊपर आ रहा था ना, मैं उसको ये बोल रही थी कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, जहाँ खड़े हो ना वहीं रुक जाओ, ये ना कि वो उसके ऊपर गिरेगा फिर मैं वो भी साफ करूंगी। तो आपको पता है कितना गुस्सा आता है, सच्ची में बड़ा कंट्रोल किया कि मैं इसको कुछ ना बोलूं, पता नहीं कैसे गिरा कैसे नहीं। खैर, उसको मैंने फौरन पकड़े, वॉशरूम में डाला, मैंने कहा आप इधर कपड़े चेंज करो, तो मैं जल्दी से ना जाती हूँ किचन में। वो फिर मैं किचन में गई हूँ ना, तोबा कोई हाल ही नहीं, फ्रिज की क्या के मतलब किचन के कोने देना वो जो थी ना सोच गिर गई, और वो जो कार जो भी नीचे मैंने बिठाया हुआ था वो भी लिबड़ शिबड़ गया बाहर। तुसी कुछ ना पूछो, उस वक्त मेरा किन्ना दिमाग घूमया सी, लेकिन बड़ा कंट्रोल किया। हाँ, मैं बोली हूँ उसको, लेकिन इतना नहीं बोली कि मैं बोल कहूँ कि उसका बड़ा कसूर है। तो खैर कोई नहीं, इसलिए मैंने फिर नया जो था मैं एहतियातन ले आई थी। मुझे पता होता है किचन में ना जब आप चीज़ें ऐसे डालते ना, तो खास तौर पर और कोई गिराए ना, कि बच्चों से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो बड़ा गंदा सा लगता है ना। तो ये मैं एहतियातन ले कि रख लिया था कि चलो मैं ले जाती हूँ, तो वही ना काम आ गया मेरा। ये मैं 10 यूरो का लेके आई थी, इतना सस्ता और अच्छे वाला। तो अभी यहाँ पे फटाफट ना अनबॉक्सिंग हो गई है, आफिया की साइकिल करवाई हुई थी और 1 वीक हो गया था, आ ही नहीं रही थी ना। ये अमेजोन से ली है, लुकमान ने करवाई है इसकी कद शद नाप शाप के सारा कुछ, और इसी ने जोड़ जोड़ के इसको दी है। ये लुकमान अफान की साइकिल थी, इसकी नहीं थी, लेकिन ये था कि अच्छी सी ले लें, चलो अगले साल भी ये यूज़ कर लेगी ना। तो काफ़ी महंगी मिलती हैं, तोबा मार्केट में भी महंगी है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लें तब भी महंगी, कोई सस्ती चीज़ नहीं है आजकल ना। खैर, बच्चे खुश थे, ऐसे खुश, तो मैं तो उनको टाल रही थी, मैंने कहा चलो इनकी ना अगस्त में आनी है बर्थडे, तो तब इनको लेके दूंगी, फिर इनकी ना कोई फरमाइश निकल आनी है। बहरहाल गर्मी आजकल थी, बच्चों से कंट्रोल नहीं हुआ, तो लुकमान को भी नहीं हुआ था, उसको बड़ा होता है, वो ऐसे ही इनका अब्बा बना। अब्बे जो है वो तो है ही, इसको ये दोनों का ना, ये तीनों का बल्कि मेन अब्बा यही है, जो मेरा बड़ा बेटा है ना वही है। तो उन्होंने कुछ भी मांगना ना, तो उसको ये होता है कि बस ना पूरा कर दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ना हम दोनों निकले हैं बाहर, तुसी आज मेरी गल्ला बात सुनो, मेरी आवाज़ चेक दी, देखो कि मैं एक दिन मुझे किन्नी ताकत लगी है बोलन दी। अच्छा, ये इन्होंने बैंक में जाना था, इनको मैंने बैंक में अंदर किया, और साथ ही रोजमान थी, तो रोजमान में लेने आई हूँ जो स्पूल मशीन है ना बर्तन धोने वाली, उसकी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। बर्तन ना आजकल वो वाली साफ नहीं कर रही, जैसे शाइन नहीं आ रही ना, तो मैंने ना उसको अक्सर हफ्ते में एक दफ़ा उसका डाल के ना, जैसे क्लीनर होता है तो वो डाल के उसको अकेली खाली जो होती है ना वो चला देती हूँ, ताकि अच्छी तरह उसको जो हाइजीनिक है ना वो ख़त्म हो जाते हैं और वो साफ सुथरी हो चुके, पाइप वगैरह निकल आते हैं। तो वो मुझे लगता है लेट हो गया, 2 से 3 हफ्ते हो गए मैंने डाली नहीं है, तो मुझे ना कोई मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा आप इधर जाएँ, मैं यहाँ पर जाऊँ ना, कि तुम भी मेरे पीछे आओ, तो फिर बड़ा टाइम लग जाना। इन्होंने 2 बैंक में जाना था, लुकमान भी साथ ही था, शपारका से भी जाना था और अपने इन्होंने बैंक में भी जाना था। शपारका से जो है ना वो भी इनका बैंक है और लुकमान का भी, और इन्होंने साझे खाते करना था, ज्वाइंट करना था, ताकि जो भी बिल वगैरह आते हैं ना तो अक्सर इनसे होते नहीं है, तो फिर लुकमान को ये होता है कि मैं साथ साथ ना करता जाऊँगा। तो वो जैसे होते ना फुल मार्क लेने गया था बाबा को साथ लेके। तो यहाँ पर मैंने ढूंढ रही हूँ कि कौन सी एक्स्ट्रा नई चीज़ आई है जो मैं मशीन के लिए लेके जाऊँ,
ताकि जो मशीन है ना थोड़ा झट कढ़े ना। वो कहंदे ना तुसीं बच्चे नूं कुछ खाना खवा दो, कहे वो खाना खवाओ कुछ झट कढ़े। वैसे मशीन का भी मैं वो ही देख रही थी, कुछ इंज दी मैनूं लब्भे कि जिहड़ी ना मतलब मैं ना भी डालूं 2-3 हफ्ते गुजर भी जाए ना तो वो जरा साफ सुथरे रहे। खैर नमक मैंने ले लिया एहतियातन, ये मैं लिया है क्लीनर इसका। एक और मुझे टैबलेट नजर आई है, ये नई चीज लगी है, फिर मैंने ये भी उठा ली। मैंने कहा चलो ये उठा के ना दोनों को इकट्ठे पा के ते नवा देवांगी मशीन। मैं कहा की याद करेगी आज मशीन, फिर वाह जी वाह मैंने कंडीशनर भी मिल गया, शैम्पू भी, तो वो वाला हाल आज मैं मशीन का करूंगी। क्योंकि मशीन में चला के आई किचन में, अभी घर जाके दिखाती हूँ कितनी बुरी हालत है, सारे बर्तन बाहर पड़े हैं। तो मुझे ये था पहले ये मैं ले आऊँ, नॉर्मल तो मैंने करके ही जाना था, बर्तन लगा देने थे, बैंक वगैरह बंद हो जाने थे, तो इनको ये था साथ आ जाओ। तो मैं कहा चलो मेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी बड़ी मतलब ना डंडी मार जानी, कभी कभी मैं भी बाहर निकल जानी है, कभी कभी बहुत सच्ची सुस्ती आ जाती है। तो रोजमर मैंने मुझे इतनी हंसी आ रही थी यहाँ पे, मैंने उनको मैं बैंक में डाल आई, मैं कहा बैंक में देखे तो मैं आई, देखे मैं किस तरह फिर रही हूँ, तुसी हद मेरी ना तुसी बस हद मुक्की पई मेरी। मैं यही बोलूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे ना कुछ खास लेने आई हूँ। मिशाल का ना वो कंसीलर खत्म हुआ था पिछले दिन, मैं डीएम में गई थी ना, वहाँ उसको मिला नहीं था, तो वो मुझे नंबर का पता था, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ से ना ले लेती हूँ, तो वो नंबर शुक्र मिल गया, वो मैंने इसका उठाया है। पता नहीं साढ़े वक्त में ना सानू तो कोई साड़ी अम्मी चीज़ लिया देंगे सर ना, तो सच्ची असी तो मतलब अगर आप ये देखें ईद होती थी ना तो हमारे घर में ना वो ईद के वो एड़ी वाली जूती लेनी और उसको भी ना चार पाई के बेड के ऊपर रख रख के पहन के देखना गंदी ना हो जाए ना, हमने ईद पे पहननी नहीं लगे हुए हो तो थले रखा तो सारे कहेंगे पुरानी है। तो पता नहीं क्यों उस वक्त चीज़ों की इतनी कदर होती थी, पता नहीं थोड़ी थोड़ी लाभ दी इस हिसाब से हमें कदर होती थी, प्यार भी होता था चीज़ों से। और ईद के बाद भी अक्सर शादियां होंदियां सन, वो इतने भी पानी एक चीज किन्नी किन्नी बड़ी पाना, तो वो और कसम से जमाना था और मजा था। लेकिन आजकल ना मैंने उसको बोला मैं बात ये कर रही हूँ कि जैसे मैं कंसीलर लेके आई हूँ और घर आई हूँ और स्कूल से जब आई तो उसको मैंने एक्स्ट्रा बोला मिशाल मैं आपका ना वो कंसीलर ले आई हूँ, हाँ ठीक है। और उसने खोल के छापर में से भी नहीं देखा ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया कि मतलब कोई हुंदा है हद भुखी पई है कि मतलब ना। मैं फिर बाद में उसको मैंने बैठा के सारी बात की ना कि हम लोग ऐसे होते थे ना कि उस वक्त इतनी चीज मिलती थी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करी करते थे कि चलो सानू लाभ हो गई, खास रुपये ईद हो गई शबरात हो गई तो ऐसी चीजें तो आपको पता है चूड़ियाँ मिल जानी मेहंदी मिल जानी। लेकिन मतलब ना इतने के बच्चों ने मैं तो यही अंदाजा लाया कि अल्लाह ताला ने मतलब ना पता नहीं शायद इन्होंने मुंहों काट देने तेनों लभ जाता वे ऐसली बच्चे की थोड़ा जहा घट हो जाता या कि सब बच्चे इंज देने या मेरे बच्चे इंज देने। लेकिन ये कि जब उसको मैंने बात सारी समझाई ना फिर वो कह रही नहीं नहीं मामा मैं स्कूल से आगे खाना खाने लगी तो आपने फौरन कह दिया मैं ले गई ऊपर आप देखे ना। मैं कहा अच्छा, लेकिन फिर भी जैसे आपको मैंने बताया ना अगर मेरी कोई चीज़ मेरी माँ लेके आती ना तो मैं उन्होंने कहा हाँ हाँ वाह जी वाह, मैं कहा सब तो पहले मैं चीज़ चुकनी सी कि मेरी माँ लेके आई है। तो आप लोग ना ऐसे थोड़ा सा करते हो कि चलो आ गई खैर अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे आगे से ट्रीट करते हैं ना। तो लेकिन ये है कि इन बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए कि हम पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, हम हमारे जमाना कैसा था, थोड़ा जहा दसना ही पैंदा वे, नहीं तो नॉर्मल सच्ची पूछो ना कोई हाल नहीं। जे इत्थे ना बाहर दे मुल्क विच अगर कोई फैमिलियां रहंदियां ना ते मतलब अल्लाह ही हाफज नासर, अल्लाह ही बच्चियां नूं सीधी राह चलावे, जिहो जे हालात इत्थे हुंदे ने ना ते जिहो जे इहनां ते जज्बात हुंदे ने अहसास हुंदे ने, क्योंकि ये भी बेचारे क्या करे डिवाइड हुए हैं कि मतलब समझ ही नहीं आती बच्चियां बेचारे नूं। चले कोई नहीं, ये भी एक एक मैं आपको छोटी सी बात करते करते लंबी हो गई। अभी मैं ना राजमा बनाने लगी, राजमा सिंपल मैंने प्याज डाला है, टमाटर और लहसुन मैंने इकट्ठे पीस के ना डाल के मसाला भुना है, और जो बॉयल किए हुए मेरे पास थे ना अभी मैंने टीन में दिखाए थे वो मैंने लिया था राजमा वो डाला है, और इसको अच्छी तरह मसाला शला भून छून के ना तो तुसी पानी पा लेना जिन्ना के तुम शोरबा वगैरह चाहिए आवे। तो अभी मैं अलग से भी इसको थोड़ा सा तड़का शड़का लगाऊंगी ताकि मतलब ना खाने उत्ते रौनक शौनक आ जाए ना, रौनक भी बड़ी जरूरी होंगी है, आंडी उत्ते रौनक ना आवे तो मज़ा नहीं आता, ढक्कन खोल के तुम लगे। मैं अगर खाना बनाती हूँ ना मेरे बेटा मेरे मियाँ को आदत है, सबको आदत होती है कि आके फटाफट ढक्कन खोल के देखना की पकाया। तो अगर आपको भुसी भुसी वाली मतलब अजीब जी वाली शक्ल वाली हांडी नजर आई ना तो उन्होंने कोई नहीं खानी सच्ची पूछो, तो ऐसी रौनक शौनक देखना तो को मजा आने लग जाता है। तो सच्ची बड़ा मजेदार बना था, मैंने लिए थे वाइट चावल साथ तो मैंने खाया। तो चलो जी इतने मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।